वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 63.75 पे क्लोजिंग दी थी ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक ने। यानी कि आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के लिए, कहाँ पे ज़्यादा मीन्स यहाँ पे कहाँ पे रजिस्टर और सपोर्ट ले सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मीन्स वो लेवल्स भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 63.75 पे क्लोजिंग दी थी 1.80 पैसे अब तकरीबन 3% तक यहाँ पे रैली करता हुआ नजर आ चुका था ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद 63 लेवल के ऊपर सेटल हो चुका था, फिर शाम में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी पर बाउंस बैक देखे यहाँ पे एंडिंग में क्लोजिंग ऊपर ही दे चुका था। यानी कि मार्केट कैप देख सकते हो 12.55,000 करोड़ की है, पी रेशियो 11.57 का है। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिले और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 30% तक गिरावट हो चुकी है यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के अंदर। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि चार्ट एनालिस, तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है OA 200 मूविंग एवरेज, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया था, तो उसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका रेजिस्टेंस लिया था मीन्स यहाँ पे परसों के दिन। और कल भी यहाँ पे आप देख सकते कि बहुत ही वीक मूवमेंट देखने को मिली थी BCG स्टॉक के अंदर। तो BCG स्टॉक में आने वाले वीक में गिरावट होती है तो यहाँ पे सपोर्ट 2 जो है तकरीबन 56.80 मीन्स पहले 60 लेवल को ब्रेक करता है तो 56 लेवल तक जा सकता है, 60 लेवल को ब्रेक नहीं करता ऊपर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते फिर से 200 मूविंग एवरेज पर रजिस्ट्रेशन ले सकता है और 200 मूविंग एवरेज पर रजिस्ट्रेशन ब्रेक करता है तो 70 लेवल पर यहाँ पे सपोर्ट उनका रजिस्ट्रेशन लग सकता है। तो ये 3-4 लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले वीक में BCG स्टॉक के लिए।